हेलो एंड वेलकम टू नौकरी स्टडी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टडी में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एफकेट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2019 एग्ज़ाम्स। तो 2019 एग्ज़ाम यानी कि सेकेंड एग्ज़ाम ऑफ 2019 का ये दूसरा एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बारे में उसके नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एफकेट के एग्ज़ाम्स साल में दो बार होते हैं। एक होता है फरवरी में, जो कि 17 फरवरी 2019 को कंडक्टेड किया गया था, एंड ये सेकेंड एग्ज़ाम्स है जो कि अगस्त 2019 में कंडक्टेड किया जाएगा। और ये एग्ज़ाम है फॉर कोर्सेस कमेंसिंग इन जुलाई 2020 में, यानी कि जुलाई 2020 में इसका कोर्स स्टार्ट होगा, जिसका प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुका है। और इसकी वेबसाइट है https://careerindianairforce.cdec.in और https://fcat.cdec.in। तो इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना की ये ऑफिशियल ग्रेड की अच्छी जॉब है, विथ ग्लोरियस कैरियर। आपका कैरियर एक सुरक्षित और आकर्षक कैरियर बनेगा यहाँ पे जाके, और आप प्राइड यानी कि गर्व के साथ देश की सेवा भी कर सकते हैं। तो इन्वाइट्स किया गया इंडियन सिटीजन्स मेन एंड वोमेन। पहला पॉइंट है कि इसमें आप मेन एंड वोमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर्स फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, तीन चीज़ें हैं, ऑफिसर्स ब्रांच, फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी। एंड ग्राउंड ड्यूटी में दो चीज़ें हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच। तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं 1 जून 2019 से स्टार्ट होगा, जो कि 30 जून 2019 यानी कि 1 जून से स्टार्ट होगा, और 30 जून तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर कोर्सेस कमेंसमेंट इन जुलाई 2020। तो सबसे पहले ब्रांचेस देखते हैं, यहाँ पे एफकेट एंट्री है, एनसीसी एंट्री है और मेट्रियोलॉजी एंट्री है। यहाँ पे एफकेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, एनसीसी जिन्होंने किया एनसीसी स्पेशल एंट्री में, और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वाले मेट्रोलॉजी में जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है माइनिंग से। तो ब्रांचेस एफकेट के अंतर हैं फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। तो इसके अंदर तीन प्रकार के कमीशन हैं। फ्लाइंग ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है, एंड परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी में दोनों कमीशन मिलते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड पर्सनल परमानेंट कमीशन, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर ग्रांट ऑफ BC/STC फॉर NCC स्पेशल एंट्री स्कीम, फॉर फ्लाइंग ब्रांच एंड फॉर मेट्रोलॉजी। तो वैकेंसी एफकेट के अंतर्गत SSC में 60 हैं, ग्राउंड ड्यूटी के अंदर SSC में 42, SSC में 20, AE परमानेंट कमीशन में 28 हैं, AE मेन में एम में PC परमानेंट कमीशन में 12 हैं। और ग्राउंड ड्यूटी एडमिन में PC परमानेंट कमीशन 16 हैं और SSC में 24 हैं। एजुकेशन में ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल में परमानेंट कमीशन में 6 और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10 है। और NCC स्पेशल एंट्री के अंतर्गत 10% सीट्स आउट ऑफ CDSE वैकेंसीज फॉर PC, CDS के 10% को वैकेंसीज फॉर परमानेंट कमीशन एंड 10% सीट्स आउट ऑफ एफकेट वैकेंसीज फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। और मेट्रोलॉजी में परमानेंट कमीशन के 10 सीट हैं और शॉर्ट सर्विस कमीशन के 14। डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि वैकेंसीज इंडिकेटेड आर टेंटेटिव, संभावित है, एंड सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट नोटिस। एक्चुअल इंटेक वुड डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स, वेरियस कैडर कंट्रोल मैकेनिज्म, अवेलेबिलिटी यानी कि घटाना बढ़ाना वैकेंसीज आपके प्रशासन के हाथ में है, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में, संस्था के हाथ में। टाइप ऑफ कमीशन PC परमानेंट कमीशन मेन के लिए है, शॉर्ट सर्विस कमीशन मेन और वोमेन दोनों के लिए। एज है फ्लाइंग ब्रांच में 20 साल से लेकर 24 साल तक, मिनिमम एज 20 एंड 24 फॉर मैक्सिमम। एंड ग्राउंड ड्यूटी में 20 साल मिनिमम है और 26 ईयर मैक्सिमम है। डिटेल नोटिफिकेशन इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट https://careerindianforce.cdec.in और careerfcat.cdec.in।
फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीड्यूर डिटेल ऑन वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग जुलाई 2020 में स्टार्ट होगी एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगाल हैदराबाद। द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी इज 74 वीक्स, 74 वीक्स होंगे एंड डेट ऑफ ग्राउंड ड्यूटी 52 वीक्स। एयरफोर्स ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट पैन कार्ड एंड अकाउंट इन SBI नेशनलाइज बैंक इज मैंडेटरी, यानी कि ट्रेनिंग के समय पैन कार्ड और SBI में अकाउंट जरूरी है। रैंक मिलेगा फ्लाइंग ऑफिसर, आपको पे एज डिफरेंस मैट्रिक्स 56,100 से लेकर के 110,700 तक लेवल 10 की पोस्ट मिलेंगी और MSP 15,500 हर मंथ। फ्लाइट कैंडिडेट्स शैल रिसीव ए फिक्स्ड स्टाइपेंड ऑफ ₹56,100 पर मंथ ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान भी आपको ₹56,000 मिलेंगे स्टाइपेंड। अलाउंसेस अलग से हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। प्रिविलेज इंश्योरेंस 75 लाख और स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टैटूज नारकोटिक्स नहीं होना है। मैरिटल स्टेटस, कैंडिडेट्स बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमेरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स। विडोवर्स एंड डाइवोर्सेस विद और विदाउट इन कंबरेंसेस बिलो 24 ईयर्स ऑफ एज आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल, यानी कि अनमेरिड होना जरूरी है। और उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर यूनिक रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड फोन नंबर जरूरी है। ट्रेवल अलाउंस टू एंड फ्रॉम ट्रेवलिंग फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट ऑफ AC थर्ड टीयर और AC चेयर कार और एक्चुअल नॉर्मल बस फेयर टू द कैंडिडेट्स अपियरिंग इन एयरफोर्स सेलेक्शन बोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विल बी रिइंबर्स्ड फॉर ऑल अदर मोड्स ऑफ ट्रेवल्स, यानी कि जो पहली बार पास करेंगे तो एयरफोर्स सेलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू के लिए जाने के लिए ट्रेवल अलाउंस दिया जाएगा। फिजिकल कंडीशन यहाँ पे 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर इन 10 मिनट्स में आपको रनिंग करना है। 10 पुशअप्स एंड 3 चिन अप्स। रिस्पेक्टिव कंडीडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू कीप देमसेल्स इन गुड फिजिकल कंडीशन टू अटेम्प्ट टू फिजिकल ट्रेनिंग। फिजिकल कंडीशन अच्छा होना चाहिए ताकि आप ट्रेनिंग को बर्दाश्त कर सकें। रनिंग, स्विमिंग, रोप क्लाइंबिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग कंडीशन इन विच दे कुड अंडरगो मैंडेटरी टेस्ट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। क्वेरीज, फॉर क्वेरीज रिलेटेड टू कंडक्टेड ऑफ ऑनलाइन एग्जाम्स और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड एडमिट कार्ड्स कॉन्टैक्ट, इतना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, डिस्क्लेमर दिया हुआ है, यानी कि ये शॉर्ट नोटिस है और फुल नोटिस आप 1 जून को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ की एलिजिबिलिटी और अदर जानकारियाँ मिलेगी। लेकिन मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी अभी बताता हूँ। एज क्रिटेरिया मैंने बता दिया है, एग्ज़ाम्स डेट बता दिया है, फी बता दिया है। अब इसके एलिजिबिलिटी एंड सिलेबस को मैं बता रहा हूँ आगे। तो फ्रेंड्स, ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि मैंने नोटिफिकेशंस PDF ओपन किया है FCAT 1 2019, यानी कि FCAT पहला एग्ज़ाम जो 2019 का हुआ था फरवरी में, उसका ये नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशंस है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम रहेंगे और सिलेबस सेम रहेंगे, इसलिए मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी खोला ओपन किया है। तो इसमें फ्लाइंग ब्रांच के लिए कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरीली पास्ड विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इच इन मैथ एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल एंड, यानी कि 60% मार्क्स होना चाहिए इच, यानी कि प्रत्येक में मैथ और फिजिक्स में 10+2 लेवल फ्लाइंग ब्रांच के लिए, और प्लस एंड ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 3 ईयर्स डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, यानी कि 12th में तो होना ही होना है, प्लस में ग्रेजुएशन में भी 6% मार्क्स होना चाहिए, और या फिर बी में है BE BTech डिग्री और BE BTech डिग्री 4 ईयर कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट, यानी कि 10+2 के साथ ग्रेजुएशन होगा या फिर BE BTech, उसमें भी 60% मार्क्स होना जरूरी है। सी में और करके है कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स इंडिया और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम वेरी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी
विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट, यानी कि 10+2 के साथ कैंडिडेट्स जो कि एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंजीनियर्स एसोसिएशन का एग्ज़ाम पास किया 60% मार्क्स के साथ और उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया तो वो भी एलिजिबल है। और आगे चलते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, तो इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर एई कैंडिडेट्स विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल एंड मिनिमम ऑफ 4 ईयर्स डिग्री ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन और क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और क्लियर सेक्शन ए बी, यानी कि 10+2 के साथ बीटेक हो, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का कोई कोर्स किया हो 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट के साथ, या फिर एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंजीनियर हो, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से ग्रेजुएशन किया हो तो कर सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इस तरह का ए तो आपका है एरोनॉटिकल पहला 10+2 लेवल, उसके बाद ए बी करके नीचे नोटिफिकेशन में बताया गया एलिजिबिलिटी। इन सारे एलिजिबिलिटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो, 10+2 60% के साथ, इन सभी कोर्स में आपने 60% पाया है तो आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं। आप अच्छे से देख लें जिन्होंने टेक्निकल डिग्री लिखा हुआ है। आगे है एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल, इनके साथ भी वही क्राइटेरिया है 10+2 60% मिनिमम, बाकी टेक्निकल कोर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी कि इसमें से थोड़ा अलग क्वालिफिकेशन इसके लिए ज़रूरी है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है जो कि सिंपल ग्रेजुएशन के लिए है, तो ग्रेजुएट डिग्री मिनिमम 3 ईयर्स डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ ए मिनिमम 60% मार्क्स होना जरूरी है और इक्विवेलेंट क्लियर ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, यानी कि वही क्रिटेरिया है। ए बी में है अकाउंट्स, बीकॉम डिग्री किया है 60% मार्क्स वो भी चलेगा, एजुकेशन एमबीए एमसीए एमए एमएससी डिग्री इन इंग्लिश फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस इंटरनेशनल स्टडीज डिफेंस स्टडीज साइकोलॉजी कंप्यूटर साइंस आईटी मैनेजमेंट मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म पब्लिक रिलेशंस विथ ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल पेपर्स पुट टुगेदर इन पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 2 ईयर्स प्रोग्राम 60% के साथ मास्टर डिग्री किए हुए हैं इंग्लिश फिजिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस स्टैटिस्टिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और डिफेंस स्टडीज साइकोलॉजी कंप्यूटर साइंस मैनेजमेंट मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म पब्लिक रिलेशंस में, तो आप एलिजिबल हैं ग्रांड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए। और एनसीसी स्पेशल एंट्री एनसीसी वालों के लिए है, उस मेट्रोलॉजी है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी साइंस स्ट्रीम मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स ज्योग्राफी कंप्यूटर एप्लीकेशंस एनवायरमेंटल साइंस अप्लाइड फिजिक्स 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल पेपर्स पुट टुगेदर प्रोवाइडेड मैथ एंड फिजिक्स वेयर स्टडी एट ग्रेजुएशन लेवल विथ मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि फिजिक्स एंड मैथ को ग्रेजुएशन में पढ़ाओ 55% मार्क्स के साथ और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में 50% मार्क्स के साथ साइंस स्ट्रीम या फिर मेट्रोलॉजी एग्रीकल्चर ओशियोनोग्राफी इकोलॉजी के साथ किया। नोट, LLB क्वालिफाइड एंड इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री कैंडिडेट्स मे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी एम्प्लॉयड ऑन लीगल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स आफ्टर कमीशनिंग, आपने LLB किया है तो आपको लीगल ड्यूटीज मिलेगी। बाकी सारी जानकारियां हैं फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड में बता चुका हूँ, मेडिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा, हाइट एंड वेट पैरामीटर्स बाद की चीज़ें हैं और हाइट सारा दिया हुआ है, हाइट एंड वेट का पैरामीटर्स, इसके सिलेबस तक हम पहुंच रहे हैं, सिलेबस को बताएं। फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशंस फ़ी 200 रुपये हैं, उसके बाद सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। सिलेबस में एग्ज़ाम का नाम एफकेट है, सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ड्यूरेशन 2 आवर्स हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हैं, मैक्सिमम मार्क्स 300 है और EKT फॉर कैंडिडेट्स विथ वन ऑफ द चॉइसेस है टेक्निकल ब्रांच में, यदि आपने अप्लाई किया है मेट्रोलॉजी इत्यादि में
फ्लाइंग ब्रांच में, तो मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 45 मिनट्स मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, मैक्सिमम मार्क्स 150 होंगे। और द ऑनलाइन एग्जामिनेशंस विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा, मार्किंग स्कीम है, 3 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड यानी कि काटा जाएगा फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, 2 मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द मैट्रिक सिस्टम ऑफ वेट एंड मीजर्स वेयर एवर एप्लीकेबल, अपकेट इन्फर्सन अंडर नो सर्कमस्टेंस विल एनी स्क्राइब नहीं मिलेगा यानी कि कोई आपका सहायता नहीं कर सकता है, स्क्राइब नहीं मिलेगा। एयरफोर्स हैज़ द डिस्क्रिप्शन टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स, एयरफोर्स निर्धारित करेगा, सिलेबस है, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, और स्टैंडर्ड होंगे मेट्रिकुलेशन लेवल के, प्रैक्टिस टेस्ट भी आप वेबसाइट पर जाके दे सकते हैं। और इसके बाद एडमिट कार्ड, आप रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड, नो एडमिट कार्ड विल सेंट बाय पोस्ट, ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारियां आप खुद डाउनलोड कर पढ़ें, अच्छे से अप्लाई करें और अच्छे से तैयारी करें। और इस तरह से लगातार एयर डिफेंस ब्रिगेड के सभी एग्ज़ाम्स के पल पल की अपडेट और तैयारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।